हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक टर्किश एक्टर किवेंच के 6 टर्किश ड्रामास जो आप हिंदी या उर्दू में देख सकते हैं। ये शोज़ ना ही सिर्फ टर्की में मगर वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप इसको डायरेक्टली हिंदी या उर्दू में देख सकते हैं। और कौन से ऐसे शोज़ हैं और कैसे आप देख सकते हैं उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं यान इन्फो। आइए जानते हैं 6 टर्किश ड्रामास ऑफ किवेंच। मेनेकशे इलेह हिलाल 2007 में टेलीकास्ट हुआ रोमांटिक टर्किश ड्रामा, आपको उर्दू में दुआ नाम से मिल जाएगा, जिसकी कहानी मेनहिल और खलील की है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मगर मेनहिल के फादर अपनी बेटी की शादी एक मुस्तफ़ा नाम के लड़के से करवा देते हैं। और क्या होगा, ये दोनों क्या फिर से मिल पाएंगे और क्या होगा इस कहानी में आगे, देखने के लिए देखिए एक इमोशनल टर्किश ड्रामा दुआ नाम से। आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली एमएक्स प्लेयर पे भी जाके चेक करेंगे। ये ऐसा पहला टर्किश ड्रामा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और उसी के साथ साथ किवेंच को भी एक अलग पॉपुलैरिटी मिली है वर्ल्ड वाइड। चजर वे गुजुल 2016 में टेलीकास्ट हुआ है रोमांटिक थ्रिलर टर्किश ड्रामा, आपको हिंदी में ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के नाम से देखने के लिए मिल जाएगा। यह कहानी सीजर की है जो अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है एक बड़े बिजनेसमैन तहसीन कोलोदाग से। इसके वजह से वो उसके स्मॉल टाउन आता है जिसका नाम भी कोलोदाग है। वहाँ उसकी मुलाकात एक हसीन लड़की से होती है जो तहसीन कोलोदाग की बेटी होती है। और आगे क्या होगा, इन दोनों को प्यार होगा या फिर ये बदला लेगा, ये देखने के लिए देखिए एमएक्स प्लेयर पर ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के सारे एपिसोड्स जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अश्कई मेमनू 2008 में टेलीकास्ट हुआ है रोमांटिक टर्किश ड्रामा, जिसमें आप बेरिन साथ किवेंच और हेजल काया को एक साथ देख सकते हैं। ये कहानी बीतर की है जो अपनी मदर को अपने फादर की मौत का जिम्मेदार मानती है और वो उस इंसान से शादी कर लेती है जिसकी वजह से बीतर की मां ने उनके पिता को धोखा दिया था। और क्या होगा आगे, ये देखने के लिए आप देखिए अश्कई मेमनू, यूट्यूब पर देख सकते हैं सारे एपिसोड्स। जार पेशमा 2018 में टेलीकास्ट हुआ है सस्पेंस थ्रिलर टर्किश ड्रामा। इस सीरियल की कहानी चार लोगों की है जो एक इंसिडेंट के वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और एक ऐसा इंसान होता है जो इनसे बदला लेना चाहता है पैसों की वजह से और नफरत की वजह से। और क्या होता है आगे, आप देखने के लिए देखिए क्रश एमएक्स प्लेयर पर, जिसमें 25 एपिसोड्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप इसके पूरे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आप द प्रॉमिस, हमारी कहानी और उसके अलावा एरकेंसी को, यानी कि डेड ड्रीमर को, के सारे एपिसोड्स आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। कुर्त सैयद वे सुरा 2014 में टेलीकास्ट हुआ है रोमांटिक टर्किश ड्रामा। ये कहानी एक टर्किश ऑफिसर और एक रशियन लड़की की लव स्टोरी की कहानी है जो 1920 में हुए रशियन क्रांति के दरमियान बताई गई है। ये शो आप उर्दू में सैफ और हया की कहानी के नाम से भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स अवेलेबल मिल जाएगा। ये शो ऐसा पहला शो है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल किया गया था टर्किश लैंग्वेज में। कुज़ेगुने 2011 में टेलीकास्ट हुआ रोमांटिक एक्शन टर्किश ड्रामा। इस सीरियल की कहानी दो भाइयों की है जिन्हें एक ही लड़की से मोहब्बत हो जाती है। दोनों भाइयों की एक गलती की वजह से एक रात एक मासूम लड़की की जान चली जाती है जिसका एक्सीडेंट गुने ने किया होता है। पर यह इल्ज़ाम कुज़े अपने सर ले लेता है और वो 4 साल जेल में रह के आता है, जिसके बाद उसको यह पता चलता है कि जेमरे, जिसे वो प्यार करता था, अब वो गुने की हो चुकी है और इनकी जल्दी ही शादी होने वाली है। और आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए देखिए कुज़ेगुने, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं जिसके थोड़े एपिसोड्स अवेलेबल हैं। आपको आगे के एपिसोड्स, अगर पूरे एपिसोड्स देखना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा कि आप इसके एपिसोड्स कहाँ पर देख सकते हैं।